एक शराबी ने ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा किया कि वह सीधे रेलवे ट्रैक पर चढ़ गया, वो भी सुसाइड करने की फिराक में। ऊपर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा जिसमें दम हो वो मुझे बचा लो। हाई वोल्टेज ड्रामा इस व्यक्ति ने शराब के नशे में किया है। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई रोड स्थित राहतगढ़ बस स्टैंड के पास रेलवे क्रॉसिंग से जुड़ा है, जहां पर एक युवक अचानक पटरी पर लेट गया जबकि सिग्नल हो चुका था और कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली थी। युवक को पटरी पर लेटता देख वहां के कई लोग मौजूद थे, उन्होंने आवाज लगाई कि भैया पटरी से हट जाओ, गाड़ी आने वाली है। पटरी से वह नहीं हटा तो लोग उसके पास पहुंचे और उसे हटाने की समझाइश दी। पास जाने वाले लोगों को समझ में आया कि युवक शराब के नशे में है। जैसे तैसे वहां मौजूद लोगों ने युवक को पटरी से हटाया। इसी दौरान ट्रेन गुजरी, शराबी युवक ट्रेन की तरह दौड़ने भी लगा, तब वहां मौजूद व्यक्ति ने उसे पकड़ के रखा। हालांकि इस दौरान क्रॉसिंग के पास में बने रेलवे चैंबर से कोई भी कर्मचारी या सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया। यदि लोग उस शराबी को ट्रैक से नहीं हटाते तो शराबी ट्रेन की चपेट में भी आ सकता था। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन वायरल वीडियो के साथ एक और सवाल खड़ा हो रहा है, वो भी रेलवे विभाग पर, कि क्या ऐसे लोगों पर आपकी नजर नहीं जाती, और नजर जाती है तो उस पर फिर आप कोई कार्रवाई नहीं करते, कार्रवाई नहीं भी करते हो। ऐसे व्यक्तियों को अंदर जाने कैसे देते हो, वो अंदर पहुंच कैसे जाते हैं, सवाल यह भी खड़े होते हैं। फिलहाल वह शराब के नशे में था, वो बेजा बेजा हाई वोल्टेज ड्रामा उसने जरूर किया है। अनिल वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज सागर। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क